अक्सर कहा जाता है कि जूड़ियां स्वर्ग में बनाई जाती हैं, लेकिन आज की भागम भाग जिंदगी और संस्कृति से भागते हुए लोग शादी जैसी जरूरी चीजों को महत्व नहीं देते। हालांकि कुछ ऐसे कपल हैं जो कि शादी में हमारे विश्वास को बहाल करने में कभी असफल नहीं होते, और बॉलीवुड में ऐसा ही एक जोड़ा है जो कि शादी को लेकर काफी विश्वास रखता है, और ऐसे में वो कपल एक दूसरे से काफी प्यार करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की। आज इन दोनों की शादी की सालगिरह है। रितेश और जेनेलिया 3 जनवरी 2012 को शादी के बंधन में बंधे और इस कपल ने अपने 8 साल खुशी खुशी में बिता दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने जीवन के हर पल का आनंद लेते हुए एक साथ नजर आते हैं। रितेश और जेनेलिया 2002 में अपनी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर एक दूसरे से पहली बार मिले। इसके बाद एक दूसरे को डेट करने लगे। लगभग एक साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। रितेश और जेनेलिया ने मराठी और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की। रितेश और जेनेलिया के अब 2 बेटे हैं, रिहान और राहिल। और वो दोनों काफी प्राउड पेरेंट्स फील करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ स्वीकार किया। एक साथ क्रेजी होना और जीवन के हर पल का आनंद उठाना दोनों से कोई सीख सकता है। Okay, where is it? Let's go. Oh, there's a male deer. Blue bull. फिल्म तेरे नाल लव हो गया के दौरान ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। एक साथ दोनों की ये आखिरी फिल्म थी। इसके बाद जेनेलिया ने फिल्म से दूरी बना ली, लेकिन दोनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। और इन वीडियोस में आप दोनों को खूब मस्ती करते हुए देख सकते हैं और साथ ही दोनों कपल गोल को पूरा करते हुए नजर आते हैं।